टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कौसाशील फाटा रोड पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2020 के आखिरी दिन में डावले गांव के पास एक बुलेट सवार ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम गणेश अम्बेकर बताया जा रहा है, गोटे घर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक बुलेट पर तीन युवक सवार थे। शीलफाटा रोड डावले गांव के पास बुलेट स्लिप हो गई और तीनों युवक रोड पर गिर गए, जिसमें से दो युवक उठकर भाग गए मगर पीछे से आ रहे ट्रक के पहिए के नीचे गणेश अम्बेकर आ गया और इसके ऊपर से ट्रक गुजर जाने की वजह से घटना स्थल पर ही इसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने डायघर पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि शीलफाटा रोड पर हादसों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस रोड पर काम भी चालू है और छोटी छोटी छर्रियों की वजह से अक्सर बाइक सवार स्लिप होकर गिर जाते हैं और बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक लॉरी की चपेट में आने से मौत भी हो जाती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।